देखें, अगर आप कराची क्रिकेट की बात करें तो अगर आप T20 की बात करते हैं तो वो कराची ने ईजाद करी, ठीक है। वेटरन्स की बात करते हैं तो आप वो कराची ने ईजाद करी, और टेप बॉल भी अगर आप देखें तो कराची में बहुत ज़्यादा टेप बॉल खेली जाती थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है वो टेप बॉल का वर्ल्ड कप भी जो है वो दुनिया में ज़रूर खेला जाएगा। और जहाँ तक रही बात ये KTPL की सीज़न की, तो जगह बहुत खुशाइन बात है कि पहले टेप बॉल जो है वो एक टूर्नामेंट की शक्ल में होती थी। हमने ही बहुत थोड़ी टेप बॉल खेली है, लेकिन हमने जाकर टूर्नामेंट बहुत देखे जो कि बड़े लेवल पर टेप बॉल होते हैं। पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा टेप बॉल के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन अब इस तरीके से ये लीग बेसिस पे टेप बॉल हो रही है तो ऐसे खुशाइन बात है कि लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि इसी टेप बॉल से कोई मोहम्मद हफीज़, सुहेल तनवीर, हारिस रऊफ या अनवे अली ऐसे प्लेयर जो हैं वो लगता है पाकिस्तान को शायद मिल जाए। PSL के मुकाबले में तो नहीं आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से रुझान बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर दो टूर्नामेंट हुए थे, एक अजहर अली शाह पे हुआ था और एक नाजाबाद के ग्राउंड पे हुआ था, तो आई थिंक इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वर्ल्ड वाइड इसको खेला जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ KTPL देखें, जो आम बच्चे हैं मैं आपको बताऊँ, पहले तो जो जैसे हम लोगों ने क्रिकेट खेली या हम इनको देखते हुए क्रिकेट खेली, अब गली के क्रिकेट का कॉन्सेप्ट जो है ना ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम खुद पेरेंट्स बन गए हैं तो हमारे बच्चे जो है ना वो गली में नहीं जाते। तो मैं ये बच्चों को और पेरेंट्स को ये मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों को आप जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ। गली में जैसे पहले टेप बॉल हुआ करती थी, अब उस तरीके से टेप बॉल नहीं हो रही, इसी तरीके से हम लोगों ने भी ऐसे ही क्रिकेट खेली है, पहले गली में खेली है टेनिस बॉल से, फिर टेप बॉल ग्राउंड में खेली। तो आई थिंक बच्चों को मेरा ये मैसेज यही है कि आएँ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और इस तरीके की एक्टिविटी जो हो रही है इसमें अपना हिस्सा डालें। मेरी ऐसा जब इनसे कोई बात नहीं, मुझे तो इन्वाइट किया, मैं यहाँ पर तो आ गया।